है गाइस, वेलकम टू रोज वैकेंसी जीके। तो गाइस, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि मार्च मंथ के, फुल मार्च मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क, एसएससी, रेलवेज, पुलिस, आईबीपीएस, ट्रिपल एस बोर्ड, इलेक्शन कांगो, एक्साइज इंस्पेक्टर एंड ट्रिपल एस बोर्ड में जो क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, एंड पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, और अदर जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो गाइस लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले, अगर हम अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा चैनल पर, तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशन है आपको समय से मिल सके। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, harry_kashyap8 पर। ठीक है, और ऑल जॉब वैकेंसी एंड जीके एप भी पेज है हमारा, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इंडिया ने रैंक, कौन सा रैंक हासिल किया है वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट रिपोर्ट में, दुनिया के खुशहाल देशों में इंडिया का रैंक कौन सा है। तो गाइस नीचे ऑप्शन है 7800, 1, 141, 133। तो गाइस सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी 133, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप्स इन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड इन इंडिया एज पर द रिपोर्ट ऑफ ओकला। ओकला ने एक रिपोर्ट निकाली है, इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सबसे तेज़ इंटरनेट कहाँ पे चलता है, ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है सबसे ज़्यादा किस सिटी में है, वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो गाइस वो कहाँ है, दिल्ली नहीं है, विशाखापट्टनम नहीं है, बेंगलुरु नहीं है, सही ऑप्शन आपका चेन्नई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस, इस जिस किस सिटी ने होस्ट किया, तो गाइस जे किया है न्यू दिल्ली, नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट। और दिल्ली के जो सीएम हैं वो है अरविंद केजरीवाल, जो कि आप जन की आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टॉप्स क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस सर्वे, तो किस सिटी ने टॉप किया है। तो गाइस नीचे ऑप्शन है, जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी पुणे। पुणे कहाँ की सिटी है, ये है महाराष्ट्र की सिटी। विच सिटी टू होस्ट दी 105th सेशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस, ठीक है, इंडियन साइंस कांग्रेस का जो 105वां जो सम्मेलन होगा कहाँ पे होगा। तो गाइस ये होगा इम्फाल में, ठीक है। इम्फाल किसकी कैपिटल है, नागालैंड, कोई मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। नेक्स्ट है, दी थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को ये हर साल मनाया जाता है कंज्यूमर राइट डे। तो इस साल का जो थीम था वो क्या था, तो गाइस वो था मेकिंग डिजिटल मार्क प्लेसेस फेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ नेम्ड एज द क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द 6th एडिशन ऑफ विजडन इंडिया। तो गाइज क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसके अनुसार, 6th एडिशन ऑफ विजडन इंडिया, इसके अनुसार कौन बने। तो गाइज नीचे ऑप्शन है सुरेश रैना, एम एस धोनी, विराट कोहली या फिर केएल राहुल। तो गाइज अगर आप विराट कोहली कह रहे हैं तो ये गलत है, सही ऑप्शन है केएल राहुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच फिल्म विंस बेस्ट इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल इन लॉस एंजल्स, यूएस में जो हुआ फेस्टिवल, इसमें से किस इंडियन फिल्म ने बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता। तो गाइज वो जीता ऑप्शन बी सुनेता। तो गाइज इस फिल्म के जो एक्टर थे वो थे जॉकी श्रॉफ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करीब 22 मिनट की ये फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है। तो गाइज मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया है, 15 मार्च को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डोनाल्ड ट्रंप्स न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, वहां के जो न्यू इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन बने हैं। तो गाइज वो बने हैं ऑप्शन सी लैरी कुडलो, वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन F53-54 कैटेगरी में, जेवलिन थ्रो का जो मुकाबला हुआ था इसमें किसने गोल्ड मेडल जीता। तो गाइस वो जीता है दीपा मलिक, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कर्नाटका बैंक ओपन इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच। कर्नाटका बैंक ने कहाँ पे, किस ब्रांच में, जितनी भी वुमेन्स हैं इस ब्रांच में सभी वुमेन्स काम करती हैं, तो वो बैंक कहाँ पे लॉन्च हुआ। तो गाइस ये कर्नाटका के कैपिटल बेंगलुरु में, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच ईयर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज कमिटेड टू एंड टीबी, टीबी को ख़त्म कर दिया जाएगा,
किस ईयर में? तो गाइज अनाउंस किया है WHO ने, तो किस ईयर में ख़त्म होगा टीवी पूरी कंट्री पूरे वर्ल्ड में? तो वो होगा 2030। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज री इलेक्टेड एज चाइनाज प्रेजिडेंट? तो गाइज इसके बारे में हम सभी को पता ही होना चाहिए, पहले थे शी जिनपिंग, तो अब भी जे री इलेक्टेड हुए हैं, और चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, ठीक है, और चाइना की जो करेंसी है वो है येन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, 18th मार्च 2018 वाज ऑब्जर्वड एज, 18 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? तो गाइज इस दिन को मनाया गया ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री पेज ट्रिब्यूट टू जगमोहन डालमिया विद बुक ए ट्रिब्यूट टू जग्गू? जगमोहन डालमिया है कौन? वो हैं हमारे BCCI के जो एक्स चेयरमैन रहे हैं, जगमोहन डालमिया। तो इनमें से किस कंट्री ने उनको ट्रिब्यूट किया है इस बुक के जरिए? तो गाइज बुक का नाम नोट कर लीजिए, ए ट्रिब्यूट टू जग्गू, तो वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो गाइज वो किया है श्रीलंका ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इनॉग्रेट्स बिहार फर्स्ट स्टार्टअप हब इन पटना? बिहार की फर्स्ट स्टार्टअप हब इनॉग्रेट करी है, तो गाइज वो किसने करी है? नीचे ऑप्शन है, सही ऑप्शन है आपका सुशील कुमार मोदी, ये कौन है? ये बिहार के डिप्टी CM हैं, DCM, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और CM कौन है? वो है योगी आदित्यनाथ। विच इंडियन एक्ट्रेस रिसीव द UK गोल्डन फ्लेम अवार्ड? UK गोल्डन फ्लेम अवार्ड किस एक्ट्रेस ने जीता? तो गाइज वो जीता है सिमी गरेवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कंट्री होस्टेड द 14th एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2018? तो गाइज कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो वो करेगी चाइना, वेरी इंपॉर्टेंट। IRCTC, आप सभी को पता है कि जे रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे टिकट्स बुक होती हैं, ठीक है। इन्होंने टाई अप करा है किसके साथ? वो करा है इन्होंने ओला कैब के साथ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली एक्सिस बैंक ओपनड ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन, एक्सिस बैंक ने एक ऑफिस ओपन करा है फॉरन में, तो वो कहाँ पे करा है? वो इन्होंने करा है शारजहाँ में, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि UAE का एक शहर है, यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है, और UAE की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है अबू धाबी, वेरी इंपॉर्टेंट। हु बोर्न वुमेन सिंगल अंडर 19 टाइटल एट इसराइल जूनियर 2018? तो गाइज वो किसने जीता? तो गाइज वो जीता है ऑप्शन बी पूर्वा भरवे। तो गाइज ये कौन है? ये है इंडियन, इंडिया से बिलोंग करती हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हु लेड फाउंडेशन ऑफ स्टोर ऑफ नवी मुंबई एयरपोर्ट? नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट बनेगा, इस एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है वो किसने करा? तो गाइज वो करा है ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी, PM ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री बैन्स यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी पेट्रो? किस कंट्री ने बैन लगा दिया है इस पर? तो गाइज वो किसने लगाया? वो लगाया USA ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विच स्टेट क्रिकेट टीम हैज़ वॉन 2018 विजय हजारे ट्रॉफी? विजय हजारे ट्रॉफी हुई है, तो ये किस स्टेट ने जीती है? तो गाइज ये जीती है कर्नाटका ने, और इन्होंने फाइनल मैच में हराया था सौराष्ट्र को, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद KS द्विवेदी हैज़ अपॉइंटेड एज DGP ऑफ, KS द्विवेदी जो DGP बने हैं कहाँ के बने हैं? तो गाइज ये बने हैं बिहार के, और बिहार की कैपिटल पटना, और जहाँ के जो CM है वो है नीतीश कुमार, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन आपका, रेलवे मिनिस्टर अप्रूव्ड टू इंस्टॉल सैनिटरी पैड्स डिस्पेंसर फॉर 200 स्टेशन ऑन। रेलवे ने 200 स्टेशन पर पैड्स देने की घोषणा करी है, तो गाइज इन्होंने कब करी? इन्होंने करी 8 मार्च को, वुमेंस डे वाले दिन, वेरी इंपॉर्टेंट। विच बैंक हाइक्स लैंडिंग रेट? किस बैंक ने अपनी लैंडिंग रेट है जो बढ़ा दी? तो गाइज वो बढ़ाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर वो मुंबई में है, और इसके जो चेयरमैन है वो है रजनीश कुमार, वेरी इंपॉर्टेंट। सुधीर त्रिपाठी अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ, तो गाइज सुधीर त्रिपाठी जो बने हैं चीफ सेक्रेटरी, ये बने हैं झारखंड के, तो झारखंड की कैपिटल रांची, वेरी इंपॉर्टेंट। हु बैग सिल्वर एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है, इसमें सिल्वर मेडल किसने जीता? तो गाइज वो जीता विनेश फोगट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज फर्स्ट एविएशन मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च्ड इन,
तो गाइस ये कहाँ पे लॉन्च हुआ, ये हुआ चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल, आप सभी को पता है, पंजाब के साथ साथ ये किसकी कैपिटल है, ये है हरियाणा की कैपिटल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेट हैज़ रिसेंटली सेट अप टोल फ्री हेल्पलाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए इस स्टेट ने टोल फ्री नंबर एक दिया है, जिस पे स्टूडेंट्स कोई भी अपनी हेल्प है वो ले सकते हैं, कोई भी शिकायत है वो करवा सकते हैं। तो किस स्टेट ने करा है जी, ये करा है तमिलनाडु ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स 2900 करोड़ टू मेक सिटीज सेफर टू वुमेन। तो गाइस कितनी सिटीज आएंगी इस स्कीम के अंडर, तो वो आएंगी 8। वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली विच यूटी ज्वाइन उदय स्कीम। उदय स्कीम क्या है, उज्ज्वल डिस्कॉम एसोर्स योजना। तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड है, तो इस स्कीम को हाल ही में किसने ज्वाइन किया, तो वो किया लक्षद्वीप ने। वेरी इंपॉर्टेंट, विराट कोहली वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ, इनमें से किस कंपनी के विराट कोहली एम्बेसडर बने हैं। तो गाइस वो बने हैं ल्यूमिनियस पावर टेक्नोलॉजीज। वेरी इंपॉर्टेंट, रंगन राजन राघवन अपॉइंटेड डायरेक्टर मैनेजिंग डीएम बने हैं जे किस कंपनी के। तो गाइस जे बने हैं ऑप्शन बी इन्फोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच स्टेट प्लान्स टू ओपन अकेडमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। इनमें से कौन सी स्टेट अकेडमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स खोलने की तैयारी कर रही है। तो गाइस वो है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और चंद्रबाबू नायडू जहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च टी एप फोलियो किस स्टेट ने लॉन्च करा। तो गाइस ये करा है तेलंगाना ने। वेरी इंपॉर्टेंट, तो गाइस हैदराबाद की जो कैपिटल है वो आपको मिस्टेक से गलत बता दिया गया, हैदराबाद की जो कैपिटल है वो है अमरावती। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, ठीक है, और हैदराबाद किसकी कैपिटल है, वो है तेलंगाना की, कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट टाइज अप विद टू प्रमोट मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने टाई अप किया है किसके साथ, वो किया इन्होंने विकीपीडिया के साथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रेलवे स्टेशन ऑफ आंध्र प्रदेश बिकम्स ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन। तो गाइस वो कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो वो है फिरंगीपुरम। वेरी इंपॉर्टेंट, हु हैज़ वोन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स एट द 2018 पोलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड्स इन यूके। तो गाइस ये अवार्ड किसको दिया गया, ये दिया गया शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि MLA या फिर शायद MP हैं बीजेपी पार्टी के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच स्टेट लॉन्च अमा गाँव अमा विकास, ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च करी है। तो गाइस ये करी है ओडिशा ने लॉन्च, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और जहाँ के जो CM है वो है नवीन पटनायक। विच इंडियन शूटर वॉन गोल्ड मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप। तो गाइस वो किसने जीता, वो जीता साहजर रिजवी ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए न्यू एम्बेसडर बने हैं, तो वो कौन बने हैं, वो बने हैं विनय कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल प्लेयर डिवाइड अ स्टोरी, इनकी हाल ही में डेथ होगी, किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। तो गाइस ये करते हैं इटली से। वेरी इंपॉर्टेंट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च खुशी स्कीम लॉन्च करी है। इस स्कीम के अधीन 17 लाख गर्ल्स को पैड्स दिए जाएंगे। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च करी है, तो गाइस ये करी है उड़ीसा ने, अगेन उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट, विच कंट्री लॉज टू वुमेन टू पार्टिसिपेट इन ऑल फीमेल मैराथन। फीमेल की मैराथन होती थी इस कंट्री में, लेकिन पहले अलाउ नहीं था, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, लेकिन अब इन्होंने अलाउ कर दिया, तो वो कौन सी कंट्री, वो है सऊदी अरबिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने GOES ये लॉन्च करी है वेदर सेटेलाइट। तो गाइज वो करी है नासा ने। वेरी इंपॉर्टेंट, और इसरो ये कहाँ की है, ये हमारे इंडिया की है। हु वॉन 2018 ओस्कर बेस्ट एक्टर। ओस्कर के बेस्ट एक्टर बने हैं वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं गैरी ओल्डमैन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम इलेवन आप सभी को पता है इसके बारे में, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने, वो बने हैं MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल कहाँ पे हुआ। तो गाइस ये हुआ ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। जस्टिस D. Sridevi हु इनकी मृत्यु होगी, और ये किस स्टेट के हाई कोर्ट से बिलोंग करती हैं। तो गाइस ये करती हैं
ऑप्शन बी केरला, केरला की कैपिटल त्रिवेंद्रपुरम। बिप्लब कुमार देव जे किस स्टेट के न्यूली सीएम अपॉइंटेड हुए हैं, तो गए जे हुए हैं त्रिपुरा के, और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। वेरी इंपॉर्टेंट। बीच इंडियन शूटर वॉन गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, तो गाइज वो कौन से इंडियन हैं, तो गाइज वो हैं, नीचे सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए मनु बेकर। वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस वाज लॉन्च्ड, तो गाइज वो कौन सी सिटी में हुई है, वो हुई है बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु। ठीक है। हु स्वोर्न एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, मेघालय के न्यू सीएम बने हैं, तो वो कौन बने हैं, तो गाइज वो बने हैं कोनराड संगमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हॉलीडे वुमेंस को लिए, इन्होंने 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे था, आप सभी को पता है, इन्होंने हॉलीडे घोषित कर दिया। तो गाइज वो किस स्टेट ने किया, वो किया तेलंगाना ने, और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, मैंने आपको पहले बता दिया। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन 2018 प्रिटजकर प्राइज, तो गाइज ये कौन से बने हैं पहले भारतीय, तो ये बने हैं ऑप्शन डी बालकृष्णा दोषी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज अपॉइंटेड एज नागालैंड सीएम, नागालैंड के सीएम बने हैं न्यूली, तो गाइज वो कौन है, तो वो है निफ्यू रियो, रियो इंटरेस्टिंग नेम है इनका। हु टॉप्स इन 2018 फोर्ब्स मैगजीन लिस्ट, फोर्ब्स की मैगजीन लिस्ट में टॉप किया है बिलियनेयर कौन है वो, तो गाइज वो है जेफ बेज़ोस। तो ये हैं अमेज़न वेबसाइट, आप सभी को पता है, उसके जो चेयरमैन हैं। हरियाणा फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो गाइज वो हुआ है गुरुग्राम, पहले इसको गुरुगांव के नाम से जाना जाता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हरियाणा के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, आपको मैंने पहले बता दिया। विराट कोहली फर्स्ट एम्बेसडर बने हैं इनमें से किसके, तो गाइज वो बने हैं उबर इंडिया के। तो वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्रीज हॉकी टीम हैज वोन अजलान शाह कप 2018, सुल्तान अजलान शाह ये कप है, ये किस टीम ने जीता, तो गाइज ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, और इस कप में इंडिया की पोजीशन थी थर्ड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु विल बी द न्यू हेड ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के न्यू हेड बने हैं, तो वो कौन बने हैं, तो गाइज वो बने हैं ऑप्शन डी सितांशुकर। प्राग अग्रवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ, प्राग अग्रवाल किस के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं, तो गाइज ये बने हैं ट्विटर के। वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज इलेक्टेड एज नेपाल्स प्रेजिडेंट, नेपाल के न्यूली प्रेजिडेंट बने हैं, तो वो कौन बने हैं, वो बने हैं विद्या देवी भंडारी, और जे री इलेक्टेड हुए हैं, पहले भी यही थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट। और नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। सुनील नायर वाज अपॉइंटेड एज MD ऑफ, सुनील नायर MD बने हैं किसके, तो गाइस ये बने हैं सोनी इंडिया के। तो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सुनील नायर, सुनील राय नहीं है, जो क्रिकेटर हैं सुनील नायर हैं। रिसेंटली हु रिप्लेस रणवीर सिंह, वीवो इंडिया के जो अम्बेसडर थे पहले थे रणवीर सिंह, ठीक है, लेकिन अब रणवीर सिंह को हटा के न्यू अम्बेसडर बने हैं, तो वो कौन बने हैं, तो गाइस वो बने हैं आमिर खान। तो वेरी इंपॉर्टेंट। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के न्यू गवर्नर बने हैं, तो कौन बने हैं, वो बने हैं शी गैंग, यी गैंग। वेरी इंपॉर्टेंट। द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो गाइस एक मैंने वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ इंपॉर्टेंट डेज पर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गाइस वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो गाइस थीम क्या था 2018 वाटर डे का, तो गाइस थीम था नेचर फॉर वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट। डेविड राइट वाज अपॉइंटेड एज ए पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर ऑफ, तो गाइस किसके डायरेक्टर बने हैं, जे बने हैं BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जे BSE जन की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है। फॉर होम इंडिया पोस्ट रिलीज स्पेशल कवर रिसेंटली, इंडियन पोस्ट ने एक कवर लॉन्च किया है स्पेशल किसको ट्रिब्यूट करने के लिए, तो गाइज इन्होंने की ट्रिब्यूट करने के लिए स्टीवन हॉकिंग। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है, ये भी क्वेश्चन बनता है, स्टीवन हॉकिंग ग्रेट साइंटिस्ट। हु हैज़ बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडुकेट गर्ल्स, एडुकेट गर्ल्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो गाइज वो कौन सी एक्ट्रेस बनी है, तो वो बनी है कटरीना कैफ। वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली विच स्टेट डिक्लेयर्स जैक फ्रूट, जैक फ्रूट को ऑफिशियली फ्रूट अपनी स्टेट के लिए इन्होंने बना दिया, तो वो किस स्टेट ने बनाया,
तो गाइस वो बनाया है केरला ने, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव नेम्ड क्रेमपुरी, जे लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव है तो ये कहाँ पे डिस्कवर हुई है? तो गाइस ये हुई है मेघालय में, और मेघालय की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर विच गुजरात डिस्ट्रिक्ट BSNL लॉन्च फ्री वाईफाई फैसिलिटी, गुजरात की इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में BSNL ने पूरी डिस्ट्रिक्ट में फ्री वाईफाई लॉन्च कर दिया है? तो गाइस वो कहाँ करा है? तो वो करा इन्होंने उडावडा, उडावडा, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है? वो गांधीनगर। गुजरात के जो CM है वो है विजय रूपानी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली हु हैड एड्रेस द 5th इंडिया मेज समिट इन दिल्ली, इंडिया मेज समिट हुई है जो दिल्ली में, किसने इसको एड्रेस किया? तो गाइस वो किया है ऑप्शन सी, राधा मोहन सिंह ने, वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉन 2018 एशियन बिल्डर्स चैम्पियनशिप, तो ये किसने जीती? ये जीती है पंकज अडवाणी ने, और पंकज अडवाणी को आप सभी को पता है इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। Whose birth anniversary has been celebrated as Social Justice Day? Social Justice Day किस के birth anniversary पर ये day मनाया जाएगा? तो गाइस ये मनाया जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनकी जो एनिवर्सरी होती है वो होती है 14 अप्रैल को, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान के जो निर्माता हैं वो कौन है? वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दिस गवर्नमेंट स्टार्ट्स ग्रीन बजट, ग्रीन बजट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो वो किस स्टेट की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? वो किया है दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसके लिए गया? आप सभी को पता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, तो इन्होंने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग से बजट बनाया है, ग्रीन बजट। इसके तहत ये बसेस, ग्रीन बस जो पेट्रोल के बिना चलेंगी, उसके बाद पेड़ लगवाएंगे और काफ़ी ऐसे काम करवाएंगे जो पोल्यूशन को कम करेगा। हु हैज़ वन एज द प्रेजिडेंट ऑफ पेरू, पेरू के न्यू प्रेजिडेंट बने हैं तो वो कौन बने हैं? तो गाइस वो बने हैं मार्टिन बिजकारा, वेरी इंपॉर्टेंट। और पेरू की जो कैपिटल है वो क्या है? पेरू की कैपिटल है लीमा, ठीक है। और पेरू के जो सॉरी करेंसी है वो क्या है? वो है सोल, SOL, सोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जियो, जियो ने टाई अप करा है किस म्यूजिक, ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस के साथ? तो वो करा है इन्होंने सावन के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA, इन्होंने विदेश आया प्रदेश का दीवार ये लॉन्च करा है, तो गाइस ये कहाँ पे हुआ? ये लॉन्च हुआ हैदराबाद में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉन दी बिजनेस पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर UK 2018, तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वो कौन जीते? तो वो जीते जोगिंदर संगर, तो ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दी कंट्रीज अंडर 17 जोकी कप इंटरनेशनल, अंडर 17 जोकी कप, जोकी कप किससे बिलोंग करता है? ये करता है फुटबॉल से, और इसके विनर कौन थे? तो गाइस इसके विनर था इंडिया, और इंडिया ने हांगकांग को हराया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया फॉर द ऑटोमोबाइल मार्केट, ऑटोमोबाइल मार्केट में इंडिया की पोजीशन क्या है? तो गाइस इंडिया की जो पोजीशन है वो है 4th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइस आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो मोबाइल यूज होते हैं वो इंडिया में होते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट है जो वो 4th है। विच कंट्री बिकम द 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाली दुनिया की 3rd कंट्री बन गई है, तो वो कौन बनी है, कौन सी? वो बनी है इंडिया, और जो फर्स्ट है वो कौन सी है? वो है जापान, और सेकंड कौन सी है? सेकंड है रसिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2018 वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है गया? तो गाइस ये मनाया गया 27 मार्च को, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने डाटा स्पीड में, डाटा स्पीड क्या है, यानी कि वाईफाई, यानी कि इंटरनेट की कितनी स्पीड है, इसमें इंडिया, इंडिया का कौन सा रैंक है ग्लोबली? तो गाइस वो है इंडिया का 109th रैंक है इंडिया का, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड फॉर डॉक्टर्स, तो किस बैंक ने ये लॉन्च करा क्रेडिट कार्ड्स फॉर डॉक्टर्स? तो गाइस वो करा है SBI कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, म्यांमार के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं तो वो कौन बने हैं? तो गाइस वो बने हैं विन मिंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, वो है श्रीहरिकोटा। इन्होंने एक मिसाइल लॉन्च करी है जी सेट 6A। तो गाइस इन्होंने किस व्हीकल पर लॉन्च करी, तो इन्होंने जो लॉन्च करी है वो करी है GSLV F08, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी अहमद ये न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हुए हैं किस कंट्री के, तो गाइस ये हुए हैं इथोपिया के, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 58.9 करोड़ की प्लेंटी लगा दी है इनमें से किस बैंक पर, तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लगाई है इन्होंने ICICI बैंक पर। ICICI बैंक की जो चेयरमैन है वो हैं चंदा कोचर, वेरी इंपॉर्टेंट। दी फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन राजस्थान में, फर्स्ट मेगा फूड पार्क बनेगा तो वो कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा अजमेर। और राजस्थान की जो कैपिटल है वो क्या है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और राजस्थान की जो CM है वो है वसुंधरा राजे। हुज वैक्स फिगर विल बी फीचर्स सून एट मेडेम सुंड वैक्स म्यूजियम दिल्ली। दिल्ली में एक म्यूजियम है, इसमें किसकी जो फोटो लगाई जाएगी, तो गाइस वो लगाई जाएगी, सही ऑप्शन आपका विराट कोहली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री रिसीव्ड इट्स फर्स्ट शिपमेंट लिक्विड नेचुरल गैस, तो गाइस वो कौन सी कंट्री है US में जो कनेक्ट होगा, तो वो कंट्री है इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 70th सब जूनियर नेशनल वुशू चैंपियनशिप कहाँ पे स्टार्ट हुई, तो गाइस ये स्टार्ट हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है वो आप सभी को पता है, जम्मू एंड श्रीनगर, ठीक है। और जहाँ के जो CM है वो है महबूबा मुफ्ती। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रेज्ड रिटायरमेंट, इनमें से किस स्टेट ने रिटायरमेंट की जो एज है वो बढ़ा दी है 60 से 62 तक, तो गाइस वो स्टेट है मध्य प्रदेश MP, और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। तो गाइस ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मार्च फुल मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस जो इंपॉर्टेंट जो वीडियो था, इस वीडियो का आपको PDF मिल जाएगी, PPT कहूँगा मैं आपको क्योंकि PDF नहीं है, PPT आपको मिल जाएगी, इस PPT आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट थे जो कह रहे थे कि आप जो क्वेश्चन करवाते हैं उसकी PPT भी दिया कीजिए, तो गाइस इसकी PPT आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जितने भी नोटिफिकेशन है आपको समय से मिल जाएंगे, ठीक है। और गाइस कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइस, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।